लोग जाते हैं ना हमारे सनातन धर्म में, अगर किसी ने एक बार ये चार धाम कर लिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अगर कोई ये चार धाम कर लिया तो कभी उसका और जन्म मृत्यु नहीं होगा। इसलिए पहले लोग आपको बड़े बूढ़ों को पता, आप लोगों को पता होगा, अंतिम समय में जो बड़े बूढ़े होते थे वो जरूर जाते थे ये चार धाम करने के लिए, और जब चाहते थे बोल देते थे घर में, देखो लगता है और हम वापस नहीं आएंगे, हमारी श्राद्ध क्रिया कर लेना, बुढ़ा हो गया। इसलिए हमारी श्राद्ध क्रिया कर देना, क्योंकि पहले आप लोग गए हो उधर केदार बद्री, कोई गए हो? कौन कौन गया हाथ उठाओ तो? जो लोग गए आपको पता होगा, जब मैंने पहली बार गया ना, हे भगवान इतने डर मेरे को लगा, मैं जब तक वापस नहीं आए ना, मैं वापस आऊंगा तो सोचा है गाड़ी में जाकर की, हाँ, क्योंकि जब गाड़ी ऐसे चलती है हम लोग गए, लास्ट में तो मैं देख नहीं पाया, मैं तो आगे जो बैठा था ना पीछे चला आया डर के मारे, इतने मेरे का गया अभी मरे लास्ट में आकर ना, जो बस का जो स्क्रीन था स्क्रीन को मैंने बंद कर दिया, मैं देख नहीं पाया, मतलब अंदर में गए तो मैंने गया शायद और जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे रास्ता था, इतने में डर गया था। इसलिए और अभी तो उस समय बस में उस समय तो चल चल कर जाना पड़ता था, रास्ता इतने बना हुआ नहीं, पेड़ को पकड़ करके लोग चलते थे, इतने कठोर गहरा रास्ता था। लेकिन वो जो बद्री केदारनाथ है वो मेन नहीं है, मेन ये है, जो व्यक्ति जैसे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, जैसे कृष्ण के अंदर में ये 33 करोड़ देवता है, ये ब्रज मंडल में भी ये सारे तीर्थ यहीं पर है। आप लोगों ने देखा ना देव सरोवर, देखा ना जहाँ देवता लोग आकर मीटिंग करते हैं, अभी भी देवता लोग का वही निवास है, चारों तरफ पे कितने मनोरम लग रहा था, पेड़ पौधा सुंदर, कितना अपूर्व स्थान है, यही पर लक्ष्मण झूला है, यही पर सबके सब सुगंध दिशिला, सारे पृथ्वी का जितने तीर्थ है, अगर यहाँ पर कोई आ गया ना सारे तीर्थ करना हो गया, और वो केदारनाथ बद्रीनाथ अगर 10 दिन तक कंटिन्यू गाड़ी में चलोगे, 10 दिन तक, और कितने पैसा जाएगा, तब भी जाकर कितने कष्ट से परिक्रमा करके आओगे, लेकिन यहाँ आने पर सारे तीर्थ हो गया। इसलिए बोलो बन महाराज की, मैंने बन महाराज विशेषकर कार्तिक महीना में है महाराज के उत्साह से, शायद मैं भी नहीं आता क्योंकि कौन इतना दूर जाता, लेकिन महाराज का उत्साह देख करके बोले भैया हम भी चलो वैष्णव के पीछे पीछे हम भी चलते हैं, हम भी दर्शन करे आते हैं, इसलिए हम भी उत्साहित होकर के आ गए हैं। इसलिए यहाँ आ गए मतलब क्या हो गया, सारे तीर्थ आपका दर्शन करना हो गया। लेकिन हम बद्ध जीवी ना, हमारा मन नहीं मानता है, जब तक ज्यादा परिश्रम नहीं करेंगे ना, इतना दूर, अरे हम केदारनाथ गए थे, हाँ बद्रीनाथ गए थे घूम करें, लेकिन यहाँ पर एक दिन में आकर घूम चले गए, बोलेगा अरे गए और चले आए हैं। लेकिन बद्ध जीवी ना ये चीज को महत्व हम नहीं समझते हैं। इसलिए जो ये जो स्थान है, कहते यहाँ पर सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, कहते ये चार युग का यहाँ पर लीला हुई। कहते अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, बोले सत्य युग का कौन सा लीला है, बोले सत्य युग में ये जो नर नारायण का आप दर्शन कर रहे हो, या नर नारायण क्यों तपस्या क्यों कर रहे हैं बताओ, ये तपस्या कौन करता है, जीव करते हैं तपस्या, लेकिन फिर ये नर नारायण को तपस्या करने का क्या जरूरत है, इसका रहस्य बताए। एक समय नारद जी ये मरते जगत में आए और घर 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 में गए और सबसे पूछे, सब ठीक ठाक है ना, सब मुंडी लाए ठीक ठाक, लेकिन जब अंदर की बात किसको पूछा है ना, बोले कोई राइट नहीं, सबके सब रंग है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, सब दुखी। लेकिन जब नारद जी वैकुंठ में गए, देखा भगवान नारायण अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी, बोले प्रभु दुनिया को आप सृष्टि किए हो और दुनिया के लोग दुख कष्ट उठा रहे, अब यह मस्ती ले रहे हो, लक्ष्मी को लेकर के पड़े हुए हो, हैं? बोले प्रभु श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं ना, वो जो पीछे जो लोग आते हैं उसको देख करके वही करते हैं। बोले बोलना क्या चाह रहे हो, बोले क्या बोलेंगे, अब तो आप सनातनी लक्ष्मी अपना चरणों को लेकर गोद में लेकर पड़ी हुई है, दुनिया बोलेंगे जब भगवान अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहते हैं, हम भी हमारा भी एक एक लक्ष्मी ले लेंगे, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर के हम भी पड़े रहेंगे। बोले नारद जी तू बताना क्या चाह रहे हो, बोले प्रभु जब तक ये जीव साधन भजन नहीं करेगा, जब तक ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा, बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, हरि से विमुख होकर के जगत में रावण तो कोई सुख नहीं मिला,
सोने की जिसकी लंका, मंदोदरी जैसे पत्नी, जिसकी है कितना 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसके पुत्र करने, उनको भी शांति नहीं मिला। बोले तू बताना क्या चाहते। बोले प्रभु जी अगर आप थोड़ी सी तपस्या करेंगे ना, आपको देख करके लोग तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे। तपस्या के बगैर तब जब तक साधन नहीं करते हैं तब तक भगवत प्राप्ति होगा ही नहीं। इसलिए प्रभु आप अगर तपस्या करेंगे, आपको देख करके थोड़ा भजन करेंगे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। तब भगवान यहीं पर आए और यहीं पर आ करके भगवान ने तपस्या की। जब तपस्या की इतने में लक्ष्मी देखा, प्रभु गए कहाँ। नारद जी आए बोले प्रभु कहाँ है। बोले पता नहीं प्रभु कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। बोले भगवान तो तपस्या कर रहे हैं। बोले कहाँ पर। बोले बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। इतने में भगवान धूप में बैठ कर तपस्या कर रहे थे। लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आई, आकर के देखा प्रभु बैठ करके कठोर तपस्या कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मी ने किया कि उनके सर के ऊपर में एक सुंदर बेर वृक्ष रूप बन गए। बेर वृक्ष बन करके जब बन गए, मीठी 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 हवा बहने लग गई। नारायण ने देखा अभी तक तो धूप आ रही थी और अभी ये ठंडी ठंडी हवा क्यों आ रहा है। इतने में नारायण जो ऊपर देखा ना, ये माँ लक्ष्मी स्वयं बेर का वृक्ष धारण करते हुए नारायण को छाया दे रही है। इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया बद्री नारायण। बद्री मतलब होता है बेर वृक्ष, नारायण मतलब नारायण, जिसे बद्री वृक्ष को नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम, उसी तरह बद्री नारायण। फिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हो बताओ। हम लोग यहाँ किस लिए आए। देखो यहाँ पर हमने कितने कष्ट करके पैदल में चल रहे थे ना, जिनको प्यार में जूता नहीं होगा तो पूरा याद ही किया, सब नानी की याद आ गई होगी है। लेकिन इतना कष्ट करके हम लोग यहाँ क्यों आए दिन भर। देखो इस चीज को समझ लो, भगवान ने स्वयं वरदान दिया है। भगवान को पता है ये कलयुग का जीव इतने कठोर साधन भजन नहीं कर सकते है, इसलिए जीव के लिए नारायण यहाँ पर बैठ कर भजन कर रहे हैं। भगवान का वरदान है अगर कोई कष्ट करके यहाँ पर आए, एक बार केवल मेरे को दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो साधन भजन कर रहा हूँ वो साधन भजन का जो छठवां भाग का फल है उसको अपनी आप प्राप्त हो जाएगा, केवल इनको दर्शन मात्र से ही। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी और उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये भगवान का वरदान है। इसलिए लोग इतने कष्ट कर क्यों जाते हैं, हम भी इतना कष्ट कर क्यों आए, केवल एक ही कारण है, इनको दर्शन करने के बाद जीव और ये मातृगर्भ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष कर गुरुदेव ये कहा करते थे, ये जो स्थान है व्यास देव ने विशेष करके जो दशम स्कंध का जो लीला है व्यास देव ने यहीं पर बैठ कर उन्होंने रचना की। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ उधर गए होंगे, चारों तरफ में पहाड़ी पहाड़ और कुछ है ही नहीं। कहते जहाँ पहाड़ वहाँ पर ही रस, हृदय में रस कहाँ से आएगा। लेकिन जो ब्रजधाम है ये ब्रजधाम साधारण नहीं, ये ब्रजधाम श्री किशोरी श्री राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को राधा रानी ये वृंदावन धाम रूप में प्रकट की। इसलिए ये वृंदावन धाम नहीं, ये किशोरी जी के हृदय है। और किशोरी जी कौन है। कहते किशोरी जी ये वैदिक सिंधु है, कहते रसई का सिंधु लावण्य सिंधु सारे जो अमृत है श्रीमती राधा रानी के अंदर में, सारे अमृत विद्यमान श्री राधा जी के अंदर में। इसलिए राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा बोलो तो, अरे जोर से बोलो। इसलिए ये राधा रानी नहीं, ये कौन है, कृष्ण रस की ये प्रेमय श्री धारा श्री राधा रानी। इसी से विशेष करके यहीं पर व्यास देव बैठ करके उन्होंने भागवत ग्रंथ रचना की, दशम स्कंध की रचना की है, यहीं पर भागवत बैठ करके। और जिस समय श्री नारायण तपस्या कर रहे थे, अभी इंद्र का खिलबिल मच गया। बोले क्यों। बोले हे भगवान ये तपस्या कर रहे हैं, हो ना हो मेरे स्वर्ग राज्य को नारायण नहीं ले जाए। हर समय नारायण डरपू गए, उन्होंने डर गए। जब डर गए इतने में उन्होंने रंभा उर्वशी मेनका है, कहते अप्सरियों को भेज दिया। बोले वहाँ पर ऐसे नृत्य गीत और वहाँ पर ऐसे बसंत ऋतु को प्रकट कर जैसे नारायण की तपस्या भंग हो जाए। जब यहीं पर उन्होंने तपस्या की, सब रंभा उर्वशी मेनका जब आए, इतने में नारायण ने किया कि अपना जंगे से ही उन्होंने ऐसे सुंदरी सुंदरी स्त्रियों को प्रकट किया ना, जिनकी प्रभाव को सामने
जिनकी सुंदरता को सामने, और जो स्वर्ग से जो अप्सरी आई थी ना, इतना तेज था उनको सामने, सबसे तो बेहोश हो गए, निस्तेज हो गए। इसलिए भगवान ने कहा तुम क्या मेरे को मोहित करोगे, मेरे पास में तेरे को बताए कितने सुंदर स्त्री मेरे पास में है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उर्वशी थी उन्होंने उर्वशी को, उन्होंने केवल एक उर्वशी को स्वर्ग के लिए भेज दिया है, जो सबसे सुंदरी उर्वशी स्वर्ग लोक में, ये नारायण की जगह से ही ये प्रकट हुई है। इसलिए ये स्थान सत्य तृतीया द्वापर है, कहते यहाँ पर तृतीया युग में, कहते जो किष्किंधा जहाँ पर बाली की आक्रमण में श्री सुग्रीव ने जहाँ पर जाकर छुपा था, यहीं पर आकर उन्होंने, यहीं पर उन्होंने छुपा था। कहते यहाँ तृतीया युग की लीला हुई, और द्वापर युग का लीला तो आप महाराज से सुने होंगे, कैसे कृष्ण जन्म होने से पहले नंद बाबा ने मनोज रखा था घर में एक लाला होएगा तो हम जाकर के चारिधाम करेंगे, लाला का जो मुंडन हम कहते ना, लाला का मुंडन जाकर के कहाँ करेंगे, जाकर बद्रीनाथ केदारनाथ में करेंगे। जब सारे ब्रजवासी तैयारी हुए जाने के लिए, कृष्ण सोचा देखो ये ब्रजवासियों को पता नहीं इनके कितने महिमा, ये ब्रजवासियों को खुद पता नहीं ये केदारनाथ कौन है, कहते मेरे सेवक है ना शंकर जी, तो मेरे सेवक है ना शंकर जी, इसलिए मेरे चरणामृत को जो सर पर धारण करते हैं, ये गंगा कौन है, बोले मेरे चरण से निकली मेरी दासी, बोले ये यमुना कौन है, बोले ये मेरे पटरानी, ये बद्रीनाथ कौन है, बोले मेरे अंश के ये नारायण है, मेरे अंश से बलदेव प्रभु, बलदेव से शंकरसन, शंकरसन से फिर महाशंकरसन, फिर वहां पर चतुर्भ्यो, फिर तीन विष्णु, ये नारायण कौन है, कहते मेरे अंश का मेरा प्रकाश है। लेकिन ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो अगर नंद बाबा कहते लाला खड़ाव ले आओ, मैं जिनके खड़ाव का सर पर लाता हूँ, नंद बाबा जो पान खाते हैं ना, मैं अंगुल डाल करके झूठे पान को मैं खुद खाता हूँ, भैया मेरे कान मोल देती हैं, जिनकी मैं स्वयं नौकरी करता हूँ, और ये लोग मेरे दासों के दासों के दासों के ये दर्शन करने के लिए जाएंगे। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले ब्रज में सब कुछ है ना, बोले कहाँ पर, चलो ना मेरे साथ में, बेटा का कर्तव्य होता है, हाँ बेटा का क्या कर्तव्य है, पिता माता को अंतिम समय में सारे धाम, जैसे श्रवण कुमार ने अपना पिता माता को सारे धाम दर्शन कराया था, इसलिए बेटा का भी कर्तव्य है अपना पिता माता को अंतिम समय पर सारे धाम दर्शन कराए, मैं बेटा है ना आपका लाला हूँ, चलो बात बाबा मेरे साथ में चलो, आपका सब धाम दर्शन कराऊंगा। यहीं पर आए, बोले सबके सब हाथ जोड़ लो, सबके सब हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करके बोले सारे तीर्थों को याद करो। जब सचमुच से उन्होंने सारे तीर्थों को याद किया, जितने सारे पृथ्वी का तीर्थ, सुगंध शिला, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और बहुत सारे तीर्थ यहीं पर है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ यहीं पर सबके सब प्रकट हुए, और उन लोगों ने ब्रजवासियों ने दर्शन नहीं किया, उन लोगों ने ब्रजवासियों का दर्शन किया। ब्रजवासी क्या दर्शन करेंगे, इनकी चरण की एक धूल में इतने शक्ति है, इतने कितने गंदा जमुना प्रकट कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने ब्रजवासियों को दर्शन करते हुए अपना जीवन को उन्होंने धन्य बनाया। अब विशेष करके जो बद्रीनाथ आप लोगों ने दर्शन किया है, तो केदारनाथ बद्रीनाथ उसने किसने बनाए, इसलिए इसको कहते आदि बद्री, आदि केदार, ये मूल है। इसलिए कृष्ण ही स्वयं वहां पर तो नारायण बने, ये जो बद्रीनाथ, ये कृष्ण स्वयं बद्रीनाथ रूप धारण किया है, हैं? इसलिए कृष्ण स्वयं, इसलिए वहाँ के बद्रीनाथ में जो बहुत कष्ट करके जाते हो, यहाँ से बहुत फर्क है, इनको दर्शन करने पर सबका दर्शन इनकी वो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री तो अपनी आप हो जाता है इनको दर्शन करने पर। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यवान हो, विशेष करके कार्तिक महीना में, कार्तिक ईश्वरी राधा रानी की है, ये महीना के अधिष्ठात्री देवी, इसी महीना में यहाँ पर आना और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आना, ये बहुत भाग्य से होता है। मात्र 200-300 रुपया में महाराज बोल रहे थे, किसने तो दिया भी नहीं, लेकिन वो जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ ना, कितना पैसा खर्चा होगा, और लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, पता नहीं करोड़ रुपया में दर्शन नहीं कर सकते हो, हाँ क्योंकि पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है, लेकिन यहाँ पर तो 100-200 रुपया में एक दिन आए और एक दिन में दर्शन करते हुए वापस जा रहे हो। इसलिए आप समझ नहीं सकते आप कितने सौभाग्यवान हो जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, ठीक है। बोले श्री आदि केदार।